सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। बीते साल 2018 में आलोकनाथ पर #MeToo मूवमेंट के तहत गंभीर आरोप लगे थे। राइटर प्रोड्यूसर विंदा नंदा ने आलोकनाथ पर रेप का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया था कि 20 साल पहले एक नहीं बल्कि उनका दो बार रेप हुआ था। ऐसे में अगर हम ये कहें कि #MeToo मूवमेंट पर फिल्म बन रही है और इस फिल्म में आलोकनाथ जज का किरदार निभा रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है। इस फिल्म पर काम शुरू हो चुका है और बता दें, #MeToo के लगे आरोपों के बाद आलोकनाथ के खिलाफ न सिर्फ मामला दर्ज किया गया था बल्कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा ने आलोक पर किसी भी शो में काम करने पर बैन भी लगा दिया था। फिल्म की बात करें तो आलोकनाथ ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि इस फिल्म का नाम मैं भी रखा गया है। उन्होंने कहा, मैं अभी कोई फिल्म नहीं कर रहा हूं और इस फिल्म की शूटिंग कुछ समय पहले हो चुकी थी। उन्होंने कहा, क्या इसमें कोई समस्या है? लगता है आपको इस बात का दुख है कि मैं किसी फिल्म में काम कर रहा हूं। यह एक गरीब प्रोड्यूसर के लिए निभाई गई छोटी सी भूमिका है, इसे रिलीज होने दीजिए प्लीज। आलोकनाथ की इन बयानों से तो लगता है कि वो अपने ऊपर लगे गए आरोपों की वजह से फिल्म में कोई अटकलें नहीं आना देना चाहते। बता दें, नासिर खान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में खालिद सिद्दीकी, शावर अली और इमरान खान मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म की शूटिंग भोपाल में हुई है और इसमें सुनैना रावत फीमेल लीड रोल में होगी। वहीं फिल्म में मुकेश खन्ना और शाहबाज खान वकील के किरदार में नजर आएंगे और आलोकनाथ जज की भूमिका निभाएंगे। टेलीविजन और फिल्मी दुनिया की और भी चटपटी गॉसिप के लिए जुड़े रहिए टॉप न्यूज नेटवर्क्स के साथ। धन्यवाद।